जय हिंद एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को 77th इंडिपेंडेंस डे 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की शानदार जानदार क्लास को। और आज की क्लास में हम 1 अगस्त से लेकर 14th अगस्त 14 अगस्त तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उन सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा, हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। कई बार होता ये है कि डेली करंट अफेयर की क्लासेस में आपको कुछ ऐसे टॉपिक भी कवर कराए जाते हैं जो पढ़ने और पढ़ाने दोनों में ही मजा आता है, लेकिन एग्जाम के लिए वो काफी कम महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि डेली करंट अफेयर क्लासेस में ले देकर 10 सवाल पूरे करने ही होते हैं, इसलिए यहां वहां के भी टॉपिक उठा लिए जाते हैं। आज की क्लास में उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके किसी भी एग्जाम के लिए। बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे जिससे आपके समय ऊर्जा दोनों की बचत हो। तो चलिए एक बार स्क्रीन पर ये देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि आपका विश्वसनीय संस्थान आकार आईएएस की जो मेन ब्रांच भोलाराम गेट के पास हुआ करती थी वो शिफ्ट हो चुकी है। नया जो पूरा का पूरा कैंपस है आपको राजीव गांधी आईवे स्टॉप पर जो टोयोटा का शोरूम है वहां पर देखने को मिलेगा। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है लूना 25 मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर अखबार आदि के जरिए ये कवर कर लिया होगा कि लूना 25 मिशन और चंद्रयान 3 की एक भारी रेस हो रही है। लूना 25 मिशन के बाद हमें जायद तलवार मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक ट्रेंड सा चल रहा है कि मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम एमपीपीएससी ने भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अगला टॉपिक है केरला पासेस रेजोल्यूशन टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। केरला ने अपने राज्य का नाम बदलने की जो गुजारिश है वो यूनियन से की है। इसी क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे कि आखिरकार वो प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है जिसे किसी भी स्टेट का नाम बदला जाता है। अगला है माया ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा डिफेंस मिनिस्ट्री में जितने भी कंप्यूटर हैं अभी तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते थे, कहा है डिफेंस मिनिस्टर ने कि जल्द ही हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करके इंडिजिनस यानी भारत का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम माया को यूज करने वाले हैं। देखेंगे आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम होते क्या है और माया ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा क्या खास है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। मत्स्य 6000 की भी चर्चा करेंगे, जैसे भारत ने अंतरिक्ष पर इंडियन सिटीजन को ले जाने के लिए गगनयान मिशन को लॉन्च किया है उसी तरह समुद्र की गहराई में जाने के लिए मत्स्य यान या यूं कहूं कि समुद्र यान प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया गया और उसी के तहत मत्स्य यान नाम की एक सबमरीन भी डेवलप करी गई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई बुक हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसी टॉपिक के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महान हस्ती से रिलेटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस काफी सुर्खियों में है क्योंकि ये जो सम्मेलन है पहली बार भारत में आयोजित होने जा रहा है। कब होगा, कहां होगा, चर्चा करनी है। यूरिया गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च की गई है। हालांकि इसके पहले एक नीम कोटेड यूरिया भी लॉन्च किया गया था, अब यूरिया गोल्ड क्या है, माने क्यों खास है, किसानों के लिए कैसे ये भारत की जो फर्टिलाइजर की जो समस्या है उर्वरक खपत को कम करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, चर्चा करेंगे। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, आप सभी को पता होगा कि भोपाल का जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है वो इंडियाज फर्स्ट पीपीपी मॉडल पर बना हुआ वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है। अब भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के तर्ज पर ही भारत के बाकी बड़े रेलवे स्टेशन को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की गई है।
राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च करी गई है। इसके बारे में भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ मिलकर जस्ट आस्क चैट बॉट लॉन्च किया है, इसके भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये चैट बॉट का मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा है मेरे साथ, आप सभी को क्वेश्चन भी पढ़ते हुए चलना है, ठीक है, शुरुआत करें। चलिए, फ्रॉम विच लॉन्च व्हीकल लूना 25 लूनार मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय रशिया ऑन 11 अगस्त 2023। 11 अगस्त 2023 को रूस के द्वारा किस प्रक्षेपण यान से लूना 25 चंद्र मिशन का प्रक्षेपण किया गया है। आप यहां पे न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं, रशिया सेट टू मेक हिस्टोरिक रिटर्न टू मून विथ लूना 25। अब ध्यान से समझिएगा, लूना 25 रूस का एक लूनार मिशन है। लूनार मिशन कहने का मतलब एक चंद्र मिशन है। एक बात ध्यान से समझिएगा, जहां पे भी आपको लूनार वर्ड मिले इसका मतलब होता है चांद। चांद के लिए लूनार वर्ड यूज किया जाता है। ये जो लूना 25 मिशन है ये रशिया का एक चंद्र मिशन है, मून मिशन है। जैसे हमारा चंद्रयान हमारा भारत का लूनार मिशन है, वैसे लूना 25 रशिया का लूनार चंद्र मिशन है। इसे हाल ही में 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। डेट आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। आपको पता होगा कि कोई भी सैटेलाइट हो उसे किसी ना किसी रॉकेट से, रॉकेट का मतलब लॉन्चिंग व्हीकल से भेजा जाता है। ये जो लूना 25 मिशन का जो सैटेलाइट है उसे एक रॉकेट से भेजा गया है और इस रॉकेट का नाम याद होना काफी जरूरी हो जाता है। इसका नाम है सोयूज 2.1B और इस टॉपिक से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, ये रॉकेट का नाम याद रखना। तो एक बार फिर मेरे साथ बोले, लूना 25 रूस का एक मून मिशन है, 11 अगस्त को लॉन्च किया गया है, रॉकेट का नाम सोयूज 2.1B। अब इसे चंद्रयान मिशन के साथ जोड़कर क्यों देखा जा रहा है ध्यान समझिएगा। जो लूना 25 मिशन है ये वही लैंड करने जा रहा है जहां पे भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। अभी तक जितने भी देश हैं, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, चाइना हो गया, इनके चांद के जो मिशन थे वो इक्वेटर के पास लॉन्च हुआ करते थे। भारत का जो चंद्रयान 3 है और रशिया का जो लूना 25 मिशन है वो चांद के दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। समझ में आ गई बात। अब साउथ पोल इतना खास क्यों है कि भारत भी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंड करने की कोशिश कर रहा है और रशिया, एक्चुअली में अंदाजा ये जताया जा रहा है कि साउथ पोल में पानी होने की गुंजाइश है और इसी को खोजने के लिए दो देश होड़ पर लगे हुए। भारत ने जुलाई 2023 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। भारत का जो चंद्रयान जो सैटेलाइट है बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंड करेगा। वहीं पे रशिया ने अपना जो चंद्रयान मिशन है यानी उसका जो लूना 25 मिशन है उसे 11 अगस्त को लॉन्च किया। हमने 14 जुलाई को लॉन्च किया था, हमारा 23 अगस्त को पहुंचेगा और ये कह रहा है 21 या फिर 22, दोनों में से कोई एक दिन हो सकता है जब ये सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हमने तो 14 जुलाई को लॉन्च किया था और 23 अगस्त को पहुंचेगा, यानी एक महीने से भी ज्यादा टाइम हम ले रहे हैं चांद तक पहुंचने में। वही ये तो केवल 10 से 11 दिन में ही पहुंच जाएगा, तो ऐसी क्या खास है रशिया की टेक्नोलॉजी में। एक्चुअली में रशिया का लूना 25 मिशन चांद के सरफेस पर इसलिए जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि इसका जो रॉकेट है वो काफी एडवांस है, अधिक पावर का रॉकेट है। एक एग्जांपल से यहां पे समझिएगा, हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन का जो रॉकेट है क्या था नाम उस रॉकेट का, LV-M3M4, ये हमारा रॉकेट है। हमारा रॉकेट रशिया के सोयूज 2.1B रॉकेट से थोड़ा कम पावरफुल है। हमने यहां से पृथ्वी से अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया, हमारा चंद्रयान 3 अर्थ का 2-4-5 चक्कर लगाएगा क्योंकि इतनी स्पीड वो गेन नहीं कर सकता, कम पावरफुल है, 2-3 चक्कर लगाएगा। 2-3 चक्कर लगाते लगाते जब हमारा चंद्रयान 3 मिशन स्पीड गेन कर लेगा तब वो अर्थ की ऑर्बिट को छोड़कर चांद की ऑर्बिट पर पहुंचेगा और यहां पे भी धीरे 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 वो 5-7-8 चक्कर लगाते चांद के साउथ पोल पर पहुंचेगा। वहीं रशिया का जो सोयूज 2.1B रॉकेट है वो इतना पावरफुल है कि उसे इतनी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, वो सीधा 1-2 चक्कर लगाएगा
और सीधे चांद के ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा। इसलिए हमसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करेगा रसिया का सोयूज 2.1B। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमारा चंद्रयान 3 यानी हमने सबसे पहले चंद्रयान 1 लॉन्च किया, फिर 2 लॉन्च किया और फिर जाकर हम 3 लॉन्च कर रहे हैं, क्या रसिया ने इसके पहले लूना 24 भी लॉन्च किया है? बिल्कुल, रसिया ने 1976 में, यानी अगर मैं बात करूं तो आज से तकरीबन 46-47 साल पहले ही लूना 24 मिशन को लॉन्च किया था। और इस मिशन, ये यूएसएसआर या रशिया इतना एडवांस, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लूना 24 मिशन 1976 में लॉन्च किया गया, सॉफ्ट लैंडिंग भी करी, और ना केवल लूना 24 मिशन ने 1976 में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करी बल्कि वहां के सॉइल को सैंपल उठाकर धरती पर लाया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1969 में हमारा इसरो का जन्म होता है, इसरो के जन्म के 8 साल के बाद ही 1976 में ही इन्होंने लूना 24 मिशन को लॉन्च कर दिया था। एक बात और आपको ध्यान से समझना है, हमारा जो चंद्रयान 3 है वो तकरीबन 2 हफ्ते तक चांद की सरफेस को स्टडी करेगा, वहां की फोटो वोटो इसरो को भेजेगा। इनका जो लूना 25 मिशन है ये चांद की सरफेस पर तकरीबन 1 साल तक स्टडी करेगा और बताया जा रहा है कि ये साउथ पोल पर ड्रिल करके पानी खोजने का भी प्रयास करेगा। अब एक बात ध्यान समझिएगा, भारत से पहले यूएसए, यूएसएसआर यानी पुराना रशिया, चाइना, इन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा ली है। अगर रशिया सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्सेसफुल होता है तो साउथ पोल पर, इन्होंने तो सब इक्वेटर पर लैंड कराया है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला वर्ल्ड का पहला देश बन जाएगा। अगर यूएसएसआर की क्रैश लैंडिंग होती है यानी वो सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाता है तब चांसेस है कि भारत पहला देश बन जाएगा अगर वो सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करता है। बहरहाल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा, लूना 25 मिशन किसका है? रशिया का है। 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम ध्यान रखिएगा सोयूज 2.1B। लूना 24 मिशन 1976 में लॉन्च करा गया था। 1 वर्ष तक लूना 25 वहां की स्टडी करेगा, साउथ पोल पर उतरेगा। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जायद तलवार बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फ्रॉम 8 से 11 अगस्त 2023। 8 से 11 अगस्त 2023 के बीच भारत व किस देश के मध्य जायद तलवार द्विपक्षीय नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है? आप न्यूज कटिंग में देख सकते हैं, 2 इंडियन शिप्स अराइव इन दुबई फॉर जायद तलवार एक्सरसाइज विथ UAE। इस न्यूज कटिंग को देखकर 2 बातें दिमाग में बैठ गई हैं। पहला ये है कि जो जायद तलवार है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, सैनिक अभ्यास है, ये भारत और UAE के बीच में आयोजित किया जा रहा है। तो एक बार फिर मेरे साथ बोले, जायद तलवार क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री में भी नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है, भारत और UAE के बीच में हो रहा है। यानी जब कोई भी एक्सरसाइज 2 देशों के बीच में होती है उसे बाइलेटरल कहते हैं। बाइलेटरल यानी 2 देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज। अगर 2 से ज्यादा देश एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं तो उसे मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसका सही आंसर क्या हो गया? UAE। और इस एक्सरसाइज में भारत के 2 शिप हैं, 2 जहाज हैं जो भाग ले रहे हैं। एक जहाज का नाम है INS विशाखापत्तनम। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। जब भी आप देखेंगे INS तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए इंडियन नेवल शिप, विशाखापत्तनम और त्रिकन। हालांकि आपको ना ही इन जहाजों का नाम ध्यान रखना है, ना ही आपको ये डेट ध्यान रखनी है, बस आपको तो टू द पॉइंट बात करनी है कि जायद तलवार एक नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, भारत और UAE के बीच में इसका अगस्त महीने के आसपास आयोजन हुआ था। चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी गई थी। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है एकता, हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। ये एकता मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव के बीच में आयोजित की जाती है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मालदीव में। तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, एकता बिटवीन इंडिया एंड मालदीव कहां ऑर्गेनाइज हुआ? मालदीव में। दूसरा है एक्वेरियम मिलिट्री एक्सरसाइज, ये भी काफी चर्चा में रहता है, हाल ही में इसका भी आयोजन किया गया था। ये भी भारत और मालदीव के बीच की बायलेटरल एक्सरसाइज है, इसे उत्तराखंड में अभ्यास किया गया था। बहुपक्षी
नौसेना अभ्यास है कोमोडो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुपक्षी यानी बहुत सारे देशों ने इसमें भाग लिया था, कोमोडो। कहा जाता है कि मोर देन 40 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस नेवल एक्सरसाइज, इंडोनेशिया में इसका आयोजन हाल ही में किया गया था। एयर डिफेंडर 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाटो कंट्री की एयर फोर्स एक्सरसाइज है, जो नाटो है, नाटो का मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका और उसके सहयोगी देश का संगठन है। इसके एस्टैब्लिशमेंट 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। इसकी स्थापना भी ध्यान रखिएगा, काफी सुर्खियों में रहती है, 4 अप्रैल 1949 को नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ये जो एयर डिफेंडर एक्सरसाइज है, ये नाटो की अभी तक की सबसे बड़ी एयर फोर एक्सरसाइज थी और इसका आयोजन हाल ही में जर्मनी में करा गया था। इसके अलावा रणविजय एक्सरसाइज के बारे में भी ध्यान रखिएगा, ये भारत की जो वायुसेना है, इंडियन एयर फोर्स है, उसका एक्सरसाइज है। इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया था। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 अगस्त 2023 को केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज कटिंग में भी देख सकते हैं। केरला टू बी रिनेम्ड केरला, केरलम, असेंबली रिक्वेस्ट सेंटर फॉर नेम चेंज पासेस रेजुलेशन। इस न्यूज कटिंग से आपके दिमाग में दो बातें क्लियर हो गई होंगी। पहला कि केरला अपना नाम बदलवाना चाहता है, नाम बदलकर जो केरल है वो केरलम करना चाहता है, और इसके लिए उसने सेंटर से रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है। यानी किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन की जो शक्ति है वो यूनियन के पास होती है, सेंटर के पास। और आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि आर्टिकल नंबर जो 3 है वो नए राज्य बनाने, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, पहले से कोई राज्य है उसकी सीमा को अल्टर करने यानी सीमा परिवर्तन करने और नाम परिवर्तन करने का प्रावधान करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया तो आर्टिकल 3 के तहत किया, अगर हमने उड़ीसा का नाम ओडिशा किया उसमें भी आर्टिकल 3 का ही योगदान था, अगर केरल का नाम बदलकर केरलम किया जाएगा तो उसमें भी किस अनुच्छेद की उपयोग किया जाएगा, आर्टिकल 3। अब यहां पे ध्यान समझिएगा कि आखिरकार किसी राज्य का नाम बदला कैसे जाता है। मानकर चलो मध्य प्रदेश अपना नाम बदलना चाहता है, मध्य प्रदेश अपना नाम बदलकर हृदय प्रदेश करना चाहता है। इसके लिए सबसे पहला कदम यह होगा कि मध्य प्रदेश को अपने स्टेट असेंबली में, विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। जब मध्य प्रदेश अपनी स्टेट असेंबली में प्रस्ताव पारित कर लेगा तो वो केंद्रीय गृह मंत्रालय यूनियन होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधीन अधिकार होता है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है या नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए पश्चिम बंगाल अभी तक लगभग 4 अपनी विधानसभा से रेजोल्यूशन पारित करके केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज चुका है कि उसका नाम पश्चिम बंगाल से बांग्ला किया जाए, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। तो पूरा का पूरा विवेकाधीन अधिकार होता है, होम मिनिस्ट्री चाहे तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर रिजेक्ट करती है तो बात वहीं पे खत्म हो गई। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नाम परिवर्तन का जो रेजोल्यूशन है वो एक्सेप्ट कर लिया तो फिर होम मिनिस्ट्री अलग अलग जो मंत्रालय है, जो संगठन है, उनके पास एनओसी के लिए उस रेजोल्यूशन को भेजती है। अब आप कहेंगे सर एनओसी क्या है? एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। होम मिनिस्ट्री अलग अलग संगठन और अलग अलग मंत्रालय से पूछेगी कि हम नाम बदलने की सोच रहे हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? अगर आपत्ति है तो क्या आपत्ति है और कैसी आपत्ति है आप हमें बताएं। अगर अलग अलग संगठन को कोई आपत्ति नहीं है इस बात से तो होम मिनिस्ट्री नाम बदलने के लिए एक बिल तैयार करेगी, एक विधेयक तैयार करेगी, और इस विधेयक को राष्ट्रपति के प्रायर रिकमेंडेशन से, राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से, पूर्व सिफारिश कहने का मतलब भैया राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली जाएगी कि हम नाम बदलने का एक बिल रख रहे हैं, आप एग्री करते हैं या नहीं। पूर्व सिफारिश से बिल को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से इस बिल को अगर पास कर देती है तो गजट नोटिफिकेशन की डेट से उस राज्य का नाम बदल जाता है।
यहाँ पे दो पॉइंट ध्यान में रखने वाली बात है। पहला कि विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश से आएगा, बिल जो है सिंपल मेजोरिटी से पास होगी। ठीक होगी इतनी बातें। अब जैसे ही राज्य का नाम बदल गया, मध्य प्रदेश का नाम बदलकर हैदर प्रदेश हो गया, तो संविधान में कुछ बदलाव करने होंगे। जैसे हमारे संविधान का जो शेड्यूल नंबर 1 है, अनुसूची नंबर 1 है, और शेड्यूल नंबर 4 अनुसूची नंबर 4 है, इन दोनों ही जगह राज्यों के नाम दिए जाते हैं। अनुसूची में राज्य का नाम होता है और अनुसूची 4 में उस राज्य को स्टेट राज्यसभा में कितनी सीट एलोकेट करी गई है उसकी चर्चा की जाती है। इन दोनों जगह ही राज्य का नाम लिखा हुआ है, अभी तक मध्य प्रदेश लिखा हुआ होता था, राज्य का नाम बदला, अब हृदय प्रदेश हो गया। तो इन दोनों ही जगह संविधान की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में अमेंडमेंट करने होते हैं, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। लेकिन भारत के संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 4 है वो ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अगर हम कोई काम करते हैं, संविधान में बदलाव करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 368 के तहत उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। जैसे आप पढ़ते हैं ना 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, तो उस लेवल का संविधान संशोधन नहीं माना जाता। जैसे 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया, तो आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा होगा कि इस संविधान संशोधन के तहत उड़ीसा का नाम ओडिशा करा गया। यानी संविधान में बदलाव तो होता है लेकिन आधिकारिक तौर पर उसे संविधान संशोधन नहीं मानते। तो एक बार फिर ध्यान से समझिएगा कि कैसे नाम बदलता है। जो राज्य नाम बदलना चाहता है उसे अपने स्टेट असेंबली में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ये प्रस्ताव केंद्रीय यूनियन होम मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री के पास जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है या डिनाई। अगर उसे रिजेक्ट कर देता है तो बात वहीं पे खत्म हो गई है। जैसे अभी तक पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की 4 बार रिक्वेस्ट आई है, 4ों बार ही ध्यान नहीं दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्सेप्ट करता है कि ठीक है नाम बदलने पर विचार करते हैं, तो अलग अलग संस्थाओं संगठन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी मिलने के बाद होम मिनिस्ट्री एक बिल तैयार करता है, विधेयक, और इस बिल को राष्ट्रपति के प्रायर रिकमेंडेशन से पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। संसद इसे साधारण बहुमत से पारित अगर कर देती है तो उस राज्य का नाम बदल जाएगा। राज्य के नाम बदलते ही अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में उसके पुराने नाम की जगह नया नाम ऐड किया जाएगा, यानी संविधान में बदलाव किया जाएगा। फिर भी आर्टिकल 4 कहता है कि इसे 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंसीडर नहीं किया जाता। ये पूरा का पूरा जो काम है ना, ये आर्टिकल 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। आई होप अब आप लोगों को यहां तक की कहानी क्लियर हो गया होगा। लास्ट टाइम हमने कब नाम बदला था, 2011 में। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर, पहले आप उड़ीसा कुछ इस टाइप से लिखा करते थे, यहां पर देखिएगा उड़ीसा, ये पहले इस तरह लिखा जाता था, लेकिन अब 2011 के बाद से नाम बदला गया, अब इसे ओडिशा कहते हैं। समझ में आ गई बात, अंतिम बार 2011 में नाम बदला गया था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ, लेकिन ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाना, पुराने राज्य की बाउंड्री को अल्टर करना और नेम चेंज करने का प्रावधान किया गया है। यहां पर हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाया है। न्यूज कटिंग भी दे सकते हैं, व्हाट इज माया ओएस, ओएस का मतलब ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम। व्हाट इज माया ओएस, द इंडिजिनस विंडोज रिप्लेसमेंट फॉर इंडियाज डिफेंस सिस्टम। यानी यहां से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि माया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है डिफेंस मंत्रालय के जो कंप्यूटर हैं, जो सिस्टम है, वहां पे अब से या कुछ टाइम के बाद से विंडोज की जगह माया ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। अब सबसे पहली बात यह आती है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कोई भी कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, उसके दो कंपोनेंट माने जाते हैं। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो हार्डवेयर यानी जिसे आप छू पा रहे हो, फोन का स्क्रीन हो गया, इसके अलावा कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, कंप्यूटर का माउस हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, आप उसे छू रहे हो, यानी कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है।
और कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे आप छू नहीं सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप, व्हाट्सएप को जैसे आप मॉनिटर को टच कर सकते हैं, क्या व्हाट्सएप को टच कर पाएंगे? नहीं। तो दो हिस्से होते हैं, हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर हो गया। कंप्यूटर तभी काम करता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों आपस में मिल जाए, दोनों में भाईचारा बना रहे। अगर इनके बीच में झगड़ा होगा, अगर ये साथ में कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कंप्यूटर फंक्शनल नहीं होगा। अब एक बात यहां पे ये आती है कि आखिरकार वो कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा हिस्सा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध बनाकर रखता है, कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और बाकी के सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाकर रखता है। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हट जाए तो कंप्यूटर मात्र एक डिब्बा भी दबडिब्बा रह जाएगा। उसके पास हार्डवेयर भी है, उसके पास सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन दोनों के बीच में संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा, तो फंक्शनल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जो गूगल का जो एंड्रॉयड है, आपके फोन में जो एंड्रॉयड होता है वो क्या है? आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपके मोबाइल से मैं इस एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर को हटा दूं तो आपका फोन फंक्शनल नहीं रहेगा। एप्पल का मैक ओएस, ये भी क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसमें जो विंडोज है, ये भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सबसे ज्यादा प्रचलन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है? विंडोज। जो मैकबुक, जो एप्पल के जो लैपटॉप होते हैं उनमें मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब दिक्कत ये है, अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था और इस ऑपरेटिंग सिस्टम में साइबर हमले बहुत ज्यादा होते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री के कंप्यूटर में बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं। दुश्मन देश साइबर हैकिंग करके उस जानकारी को, उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा ना ले, इसके लिए विंडोज की जगह नया ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बनाया है, वो है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली में माया ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ्री फीचर है और इस फीचर का नाम है चक्रव्यू फीचर। ऐसा समझिए, चक्रव्यू एक प्रकार का खास एंटीवायरस है। ये चक्रव्यू क्या करता है, मानकर चलो ये डिफेंस मिनिस्ट्री का या फिर कोई भी कंप्यूटर है और ये हो गया हैकर, ये चक्रव्यू फीचर कंप्यूटर और हैकर के बीच में एक वर्चुअल वॉल बना देता है, एक आभासी दीवार बना देता है। अगर हमने चोर के अटैक से पहले दीवार बना दी तो चोर को दीवार तोड़ना पड़ेगा अटैक करने से पहले। और ये जो चक्रव्यूह नाम की जो वर्चुअल वॉल है वो इतनी मजबूत होती है कि हैकर जो है उसको तोड़ने में पसीने छूट जाते हैं और कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है वो बनी रहती है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने माया ऑपरेटिंग सिस्टम की घोषणा की है। एक पॉइंट आपको और दिमाग में बैठा कर रखना है, ये माया ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से बनाया गया है और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक फीचर है उबंटू, इसकी सहायता से बनाया गया। तो एक बार फिर ध्यान समझिएगा, लाइनक्स भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक खास फीचर होता है जिसे उबंटू कहते हैं। माया ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनक्स और उबंटू की सहायता से बनाया गया है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां भी पूछा है, हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन से पनडुब्बी का विकास किया गया है? विच सबमरीन हैज बीन डेवलप्ड रिसेंटली फॉर इंडियाज फर्स्ट मैंड ओशन मिशन। यहाँ पे न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं आप सभी। मत्स्य 6000 में बैठकर 6000 मीटर गहरे में समुद्र में उतरेगी टीम, जाने क्या है भारत का मिशन समुद्रयान। आप सभी ने गगनयान मिशन को सुना होगा, ये हमारी पृथ्वी है। भारत ये चाहता है कि गगनयान मिशन के तहत इंडियन सिटीजन को हम गगन यानी स्पेस में ले जाएं, तो अंतरिक्ष में जाने का जो हमारा मिशन है इंसानों को लेकर वो गगनयान मिशन है। इसी तरह इंडिया का एक और एम्बिशियस मिशन है, भारत चाहता है कि हम अपने नागरिकों को ना केवल अंतरिक्ष में ले जाएं बल्कि समुद्र के गहराई में। अभी भी हम समुद्र के भीतर जा सकते हैं लेकिन 500 मीटर 600 मीटर 700 मीटर भारत चाहता है कि हम 6 किलोमीटर भीतर जाएं और वहां पे एक्सप्लोरेशन करें, अनुसंधान करें, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण करें और नए चीजों की खोज करें। आप सभी को पता होगा कि गहरे समुद्र में बहुत सारे रेयर मेटल्स, दुर्लभ धातुएं मिलती है, तो उनकी खोज करना चाहता है। गगनयान अंतरिक्ष के लिए है, उसी तरह समुद्र के भीतर जाने के लिए एक मिशन है, उस मिशन का नाम है समुद्रयान मिशन। और इस समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया था 29 अक्टूबर 2021, हल्का दिमाग में तारीख बैठा कर रखिएगा, 29 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। जैसे गगनयान जो है वो इसरो का एक मिशन हो गया,
वैसे ही समुद्रयान ये अर्थ साइंस मिनिस्ट्री यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक मिशन है और इसे चेन्नई से लॉन्च किया गया था 29 अक्टूबर 2021 को। अब मुझे बताइए, ध्यान समझिए, अगर हमें भारतीय नागरिकों को समुद्र के भीतर ले जाना है तो हमारे पास कुछ लॉन्चिंग व्हीकल होना चाहिए, जैसे गगनयान के लिए लॉन्चिंग व्हीकल, वैसे अंदर जाने के भी लॉन्चिंग व्हीकल। और इस लॉन्चिंग व्हीकल यानी समुद्र के भीतर जाने का जो रॉकेट है उसे पनडुब्बी कहते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा, और इंग्लिश में कहते हैं सब मरीन। आप कहेंगे सर हमारे पास है तो सब मरीन, बहुत सारी सबमरीन है, सबमरीन में बैठाओ और ले जाओ, दिक्कत क्या है। लेकिन जो ऑर्डिनरी सबमरीन होती हैं, जो आम सबमरीन होती हैं, वो लगभग 500 से 800 मीटर डेप्थ पर ही जा सकती हैं। हमें कितनी गहराई में जाना है, 6000 मीटर, 6 किलोमीटर नीचे जाना है, इसलिए खास तरह की पनडुब्बी की जरूरत होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ओशन के डेप्थ में जाते हैं ओशन का जो प्रेशर है, जो ऊपर का पूरा का पानी है वो पूरा प्रेशर लगाता है, ऐसी पनडुब्बी चाहिए जो इतने हैवी प्रेशर को झेल सके, समझ में आ गई बात। और इसीलिए समुद्रयान मिशन के तहत एक पनडुब्बी विकसित की गई है, उस पनडुब्बी सबमरीन का नाम है मत्स्य सबमरीन का नाम हो गया 6000, इसलिए जोड़ा है कि यह सबमरीन 6000 मीटर की गहराई तक जाने में कैपेबल है। इसमें एक साथ 3 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और ये 3 लोग 12 घंटे तक के लिए उसके भीतर रह सकते हैं, 12 घंटे तक की ऑक्सीजन इसमें सप्लाई करी जाएगी। और हाल ही में जो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि जो समुद्रयान तहत के तहत जो मत्स्य 6000 पनडुब्बी है उसका काम लगभग पूरा हो चुका है, इसलिए ये न्यूज काफी चर्चा में थी। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर मेरे साथ न्यूज पढ़ें। हाल ही में भारत सरकार के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी लॉन्च की गई है, मत्स्य 6000, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है टाइटन, ये टाइटन एक प्रकार की समरसिबल है, समरसिबल सबमरीन की छोटी बहन होती है और ये हाल ही में काफी सुर्खियों में रही क्योंकि टाइटैनिक को देखने गई और खुद टाइटैनिक के जैसे इतिहास बनकर रह गई थी, काफी न्यूज में सुर्खियां इसने बटोरी थी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किसके द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बुक रिलीज, और ये हमारे जो यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर है अमित शाह, इनके द्वारा इस किताब को लॉन्च किया गया। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम महान हस्ती के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखना जरूरी है क्योंकि आप सभी को पता होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ताउम्र स्टूडेंट से उनकी जुड़ाव जो है, लगाव जो है वो रहा है, और अंतिम वक्त भी उन्होंने स्टूडेंट को भाषण देते हुए IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग में स्टूडेंट के बीच में भाषण देते हुए ही उन्होंने अंतिम सांस ली थी। 15 अक्टूबर उनका जन्म हुआ था, स्टूडेंट से बहुत लगाव रखते थे, यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन ने साल 2010 से 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था रामेश्वरम में। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से 7 तक, ये जरूर ध्यान रखिएगा 11th प्रेसिडेंट 2002 से 2007 तक। आगे चलकर ये 1963 में जब इसरो का जन्म होता, आप कहेंगे सर इसरो तो 1969 में आई, इसरो के पहले भारत में एक छोटी सी कमेटी थी जिसका नाम था इनको स्पार, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनको स्पार से जुड़े रहे हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप किया था जिसका नाम था SLV-3। SLV का मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल थर्ड। किसने डेवलप करा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को फादर ऑफ इंडियाज मिशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। आगे चलकर ये DRDO से भी जुड़ते हैं। 15 अक्टूबर को साल 2010 से विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप इस बात से उनकी महानता का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दो नहीं बल्कि वर्ल्ड के 48 यूनिवर्सिटीज ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। 1992 से लेकर 1999 तक ये प्रधानमंत्री के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर यानी प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 1992 से 1999 के बाद उन्हें
1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में जब वो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर बने हुए थे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 27 जुलाई 2015 वो तारीख है जब वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में जो IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे छात्रों को भाषण दे रहे थे और उसी दौरान उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया था कार्डियक अरेस्ट से। उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, उनकी बड़ी फेमस किताब है इंडिया 2020, इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर कभी भी पूछी जा सकती है किसकी किताबें हैं, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सारी बुक आपके दिमाग में होनी चाहिए, और मिशन इंडिया किसकी किताबें हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है 25 से 28 सितंबर 2023 के मध्य 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। यहाँ पे न्यूज कटिंग भी देख सकते हैं, इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु फ्रॉम सितंबर 25। यानी इसका सही आंसर क्या हो गया, भारत। अब खास बात क्या है, क्योंकि भारत पहली बार वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो होस्ट है वो करेगा। 25 से 28 सितंबर डेट आपको ध्यान नहीं रखनी है, आयोजन होगा कहां होगा ये जरूर ध्यान रखिएगा, कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में, और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है रोहन बोपन्ना। ये रोहन बोपन्ना बड़े फेमस टेनिस प्लेयर है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कहां इसका आयोजन हुआ, बेंगलुरु में। आप ब्रांड एम्बेसडर भी छोड़ सकते हैं, डेट को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। विश्व कॉफी सम्मेलन भारत में पहली बार आयोजित होने जा रहा है और ये इसकी लंबी चौड़ी थीम है जो आपको ध्यान नहीं रखना। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि 5वें नंबर का है, कहां हो रहा है, भारत में, कब हो रहा है, बस सितंबर के आसपास, ये ध्यान रखिएगा, और ये पहली बार है बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित होने जा रहा है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे हमसे अगला क्वेश्चन पूछा है, 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राजस्थान से यूरिया के किस किस्म को लॉन्च किया गया है। न्यूज कटिंग देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी लॉन्चेस यूरिया गोल्ड फॉर फार्मर्स, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया गोल्ड। अब समझते हैं कि आखिरकार ये यूरिया गोल्ड क्या है और आम यूरिया से कैसे अलग है। किसान क्या करता है, अपनी उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जमीन के फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूरिया डालता है। एक्चुअली में जो यूरिया होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का एक मिश्रण होता है। पौधे को अपने अच्छी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए होता है। मिट्टी में अगर ये कम है तो एडिशनल यूरिया के जरिए उसमें डाला जाता है। जैसे किसान ने यूरिया डाला, यूरिया H2O यानी पानी के साथ रिएक्ट करता है, उसमें घुलता है, जड़ों तक जाता है और जड़ों के माध्यम से जो पौधा है वो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को एब्जॉर्ब करता है। कई बार क्या होता है, किसान ने यूरिया डाला, बारिश हुई या सिंचाई किया, उस सिंचाई के पानी के साथ घुलकर जो यूरिया है वो बह जाता है। ठीक है, बहकर कहां जाएगा भैया, रन ऑफ हुआ, आसपास का जो तालाब है, झील है, नदी है, उसमें जाएगा। अब तालाब, झील, नदी में क्या हुआ, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम एक्स्ट्रा हो गया। अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम किसी तालाब में एक्स्ट्रा हो गया तो तालाब के जो पेड़ हैं, तालाब के जो एल्गी हैं, जो सैवाल हैं, वो खूब ग्रोथ करेंगे क्योंकि उनको खूब खाना मिल रहा है। इतना ग्रोथ कर लेती हैं काई, सैवाल, एल्गी कि पूरी ऊपर जो तालाब के पूरी ऊपर जो है सैवाल की एक परत आ जाती है। अब अगर पानी के ऊपरी सरफेस पर पूरी सैवाल फैल गई है तो नीचे तक सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, सनलाइट नहीं जाएगा, और नीचे अगर सनलाइट नहीं जाएगा तो उसके नीचे के जो जीव हैं वो लगातार मरने लगेंगे। अगर मरेंगे तो पानी सड़ेगा, खराब होगा और पूरा का पूरा जो तालाब है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। इस समस्या को कहते हैं एल्गल ब्लूम, या इसी को कहा जाता है वाटर ब्लूम। अब ये वाटर ब्लूम की समस्या किसके कारण आई, हिंदी में इसी को कहते हैं सुपोषण, आपने सुना होगा। ये सुपोषण की समस्या आई ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने के कारण। प्रधानमंत्री ने आम जो यूरिया की जगह एक ऐसा यूरिया लॉन्च किया है जिसके चारों तरफ सल्फर की एक लेयर है, सल्फर की परत है। अब ये सल्फर की परत करेगा क्या, किसान ने यूरिया गोल्ड को डाला, इस सल्फर की परत के कारण जो यूरिया है वो पानी में धीरे धीरे घुलेगी, और अगर पानी में धीरे धीरे घुलेगी तो पेड़ को भी धीरे धीरे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की सप्लाई होगी, और धीरे धीरे घुल रही है तो लंबे टाइम तक सप्लाई बनी रहेगी, जिससे जो सुपोषण की समस्या है वो भी कम होगा, वाटर पोल्यूशन नहीं होगा, और यूरिया की जो खपत है वो भी कम होगी, और मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहेगी, लगातार बढ़ती रहेगी। तो ध्यान रखिएगा,
यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसी उद्देश्य के साथ लगभग 3-4-5 साल पहले नीम कोटेड यूरिया भी लॉन्च किया था। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया गोल्ड दोनों का ही एक उद्देश्य है, लेकिन यूरिया गोल्ड नीम कोटेड गोल्ड से थोड़ा ज्यादा बेहतर है। किसका कोट चढ़ा होगा यह जरूर ध्यान रखिएगा कि यूरिया गोल्ड का संबंध सल्फर कोटिंग यूरिया से है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। यहां पे हमसे अगला सवाल पूछा है, अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है किसके द्वारा? 6 अगस्त 2023 को निम्न में से किसके द्वारा अमृत भारत स्टेशन की शुरुआत की गई? यहाँ पे देख भी सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर लॉन्चेस अमृत भारत स्टेशन स्कीम इन 13 रेलवे स्टेशन। अब ध्यान समझिएगा, ये बात तो क्लियर है कि अमृत भारत स्टेशन का संबंध बस स्टेशन से नहीं है, रेलवे स्टेशन से। कब लॉन्च किया? 6 अगस्त 2023 को। किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और इसका उद्देश्य है, जिस तरह भोपाल के रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल के आधार पर वर्ल्ड लेवल पर लाया गया है, वैसे भारत के जितने रेलवे स्टेशन है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना। कहा जा रहा है कि इसे 1309 रेलवे स्टेशन में लागू किया जाएगा, लेकिन फिलहाल की लगभग 13 से 14 रेलवे स्टेशन पर इस योजना को लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन 6 अगस्त 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका उद्देश्य है रिवाइवल ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन बनाना। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, 4 अगस्त 2023 को NHAI द्वारा निम्न में से कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? न्यूज कटिंग में देख सकते हैं, NHAI लॉन्चेस मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा फॉर नेशनल हाईवे यूजर्स। अब ध्यान समझिएगा, आप लोगों ने भी कई बार महसूस किया होगा, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, जो एक्सप्रेस वे होते हैं, उसमें कई बार ये चिंता रहती है कि भैया हमारा पेट्रोल खत्म होने वाला है, डीजल खत्म होने वाला है, कितने आगे पेट्रोल पंप है। कई बार ये दिक्कत होती है कि साइड में कहीं पे खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हमें पता ही नहीं है आसपास हॉस्पिटल कितना दूर है। नेशनल हाईवे एक्सप्रेस हाईवे में जा रहे हैं, हमें ये पता करना है कि भैया मौसम कितना है। हालांकि ये गूगल के माध्यम से आप पता कर सकते हैं, लेकिन NHAI, ये NHAI एक संस्था है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम है जितने भी नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, उनका देखरेख करना। इसने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी एक्सप्रेस वे में कहां पे हॉस्पिटल है, कहां पे होटल है, क्या वेदर रहने वाला है, ये सब की जानकारी एक ही एप्लीकेशन में प्राप्त कर सकते हैं। और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? राजमार्ग यात्रा ऐप। तो आपको दो पॉइंट ध्यान रखना है, पहला एप्लीकेशन का नाम राजमार्ग यात्रा ऐप। किसने लॉन्च किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 अगस्त 2023 को। डेट वेट याद नहीं रखना, बस संस्था का नाम, एप्लीकेशन का नाम। चलिए बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इसकी स्थापना 1955 में करी गई थी, और ये एक स्टेटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था। वैधानिक संस्था का मतलब ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसकी एस्टैब्लिशमेंट किसी ना किसी एक्ट के तहत की गई हो। इसकी भी स्थापना एक कानून के तहत की गई थी, आगे चलकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988 पारित किया गया था, इसीलिए ये स्टेटरी है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? सेक्टर 10 दिल्ली के द्वारिका में। बस आप ये ध्यान रखिएगा, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है संतोष कुमार यादव जी। क्लियर होगी इतनी बातें। और हाल ही में कितने एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किए गए थे, यहां पे हम चर्चा करते हैं। लगभग जून के महीने में अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च करा गया था आरबीआई के द्वारा, और इस डैशबोर्ड या पोर्टल का उद्देश्य था भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना, वित्तीय समावेशन लाना। इसी तरह एक नंदी पोर्टल हाल ही में लगभग जुलाई में लॉन्च किया गया था पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य था पशुओं का उपचार और वैक्सीनेशन। चैंपियन 2.0 पोर्टल भी हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य है भारत में जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देना। तो ध्यान रखिएगा, अंतर्देशी डैशबोर्ड सीधे पूछेगा किसने लॉन्च किया? RBI। नंदी पोर्टल नाम से है, नंदी ये पशु यानी पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। चैंपियन 2.0 पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी सवाल की तरफ। विच चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? न्यूज कटिंग में देख सकते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने लॉन्च किया अमृत वृक्ष आंदोलन। यानी नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेमंत बिस्वा
असम। अब देखते हैं आखिरकार इन्होंने इस ऐप को लॉन्च क्यों किया। असम का एक बहुत बड़ा प्लान है और वो प्लान है 17 सितंबर 2023 का। असम ने प्लान किया है कि 17 सितंबर 2023 को एक साथ असम के भीतर 1 करोड़ पेड़ को लगाना। 1 करोड़, आप सोच के देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट होता है। 1 करोड़ एक साथ पेड़ लगाए जाएंगे और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए, पूरे के पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक एप्लीकेशन असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसी एप्लीकेशन का नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप। तो टू द पॉइंट ध्यान रखिएगा, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप का संबंध असम से है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यहां पे पूछा गया है हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य सरकार संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की सहायता से जस्ट आस्क नाम का AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। न्यूज कटिंग में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट UNFPA लॉन्च चैटबॉट फॉर एडोलसेंट ऑन सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज। अब ध्यान समझिएगा, इस न्यूज को देखकर कम से कम ये पता चल गया है कि जो एप्लीकेशन है, सॉरी ये जो चैटबॉट है, इसे मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? UNFPA के साथ मिलकर। अब पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये चैट बॉट होता क्या है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, चैट बॉट। चैट का मतलब होता है बातचीत करना और बॉट को लिया गया है रोबोट, यानी ऐसा रोबोट जो बातचीत करने में सक्षम हो। आप कहेंगे सर मैक्सिमम रोबोट बातचीत करने में सक्षम होता है तो चैट बॉट बाकी के रोबोट से अलग कैसे हुआ? एक्चुअली में जो रोबोट होता है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, यानी उस रोबोट को आप छू सकते हैं। ये चैटबॉट ऐसा रोबोट होता है जिसमें हार्डवेयर नहीं होता, केवल सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होता है। आप लोगों ने महसूस भी किया होगा, IRCTC ऐप, एप्लीकेशन ऐप तो सबने यूज किया होगा कभी ना कभी रेलवे टिकट कराने में। उस IRCTC ऐप में एक चैटबॉट होती है आस्क दिशा नाम के। आप उस चैटबॉट से कुछ भी बात करके या लिख करके अगर उसे पूछेंगे तो वो आपको उस विभाग या उस एप्लीकेशन से संबंधित जानकारी देगी। जैसे IRCTC का जो चैटबॉट होगा, आप उससे रेलवे रिजर्वेशन या फिर रेलवे से रिलेटेड और कोई जानकारी मांगेंगे उसका वो आंसर देगी। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने UNFPA नाम की जो संस्था है यूनाइटेड नेशन, इसके साथ मिलकर जस्ट आस्क चैटबॉट पूछा है। और इस चैटबॉट का उद्देश्य है जो युवा है, जो यूथ है, उनको सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जानकारी देना। कई बार क्या होता है, सेक्सुअल मैटर से रिलेटेड जो युवा है वो खुलकर पूछ नहीं पाता, खुलकर बात नहीं कर पाता, तो उसके फोन पे ये एप्लीकेशन होगा, ये चैटबॉट होगा, उसे सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव मैटर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है सीधे जाकर बिना किसी हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के, वो इस चैटबॉट से पूछ सकता है। किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। किसके साथ? तो UNFPA के साथ। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये UNFPA है क्या। ये एक यूनाइटेड नेशन की सबऑर्डिनेट एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, नाम से क्लियर है जनसंख्या, यानी जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, मामले हैं, चुनौतियां हैं, उस फील्ड में ये UNFPA काम करती है। और इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1969 में करी गई थी। ये आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो UNFPA का हेडक्वार्टर कहां पे है? USA के न्यूयॉर्क में। किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। उद्देश्य क्या है? युवाओं को सेक्सुअल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो मैटर है उस पर जानकारी देना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं आखिरकार हम लोगों ने किन किन टॉपिक को डिस्कस किया, मुझे एक सेकंड देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने Luna 25 मिशन, रशिया का है, साउथ पोल पर उतरेगा, 11 अगस्त को लॉन्च किया है Soyuz 2.1 लॉन्चिंग व्हीकल से। जायद तलवार मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और UAE के बीच में हुआ है। अगला हम लोगों ने कवर किया कि केरल का नाम केलम क्या है, पूरी प्रोसेस मैंने बताया आर्टिकल 3 के तहत। माया ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफेंस मिनिस्ट्री विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह माया ऑपरेटिंग सिस्टम ला रही है, इसमें चक्रव्यू नाम का एक फीचर है और लाइनेक्स के साथ मिलकर इसे बनाया गया है भारत में ही। मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन का हिस्सा है, पनडुब्बी है जो 6000 मीटर तक 3 लोगों को 12 घंटे तक ले जा सकती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में हम लोगों ने देखा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई बुक को लॉन्च किया है अमित शाह जी के द्वारा।
रामेश्वरम से। फिर हमने पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन पहली बार आयोजित होगा 25 सितंबर से 28 सितंबर के मध्य कर्नाटक के बेंगलुरु में। यूरिया गोल्ड देखा, सुपोषण क्या होता है, यूट्रिफिकेशन इसकी चर्चा हम लोगों ने की, अमृत भारत स्टेशन स्कीम की भी चर्चा की, राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, असम का अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप, मध्य प्रदेश ने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ मिलकर जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया गया। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा। जून और जुलाई मंथ की जो मंथली करंट अफेयर की जो मैगजीन है आकार IAS के टेलीग्राम चैनल पर शेयर की जा चुकी है, आप उसे भी जाकर डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं। अगस्त महीने की भी जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन है आकार IAS के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को शेयर कर दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद लग आता है, आपकी तैयारी को बूस्ट करता है, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। इससे क्या होता है, जो टीचर होता है उसकी जो मेहनत होती है उसे और भी उत्साहवर्धन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।